रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। रुक जाना नहीं परीक्षा मई 2024 का रिजल्ट आ चुका है। बहुत से विद्यार्थी इस परीक्षा में पास हो चुके हैं और बहुत से ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो इस परीक्षा में भी फेल हो गए हैं। ओके, तो जो विद्यार्थी पास हो गए हैं उन्हें क्या है, अब कॉलेज में एडमिशन लेना है। उसकी क्या प्रोसेस रहेगी वो मैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं जो विद्यार्थी रुक जाना नहीं परीक्षा 2024 ये मई वाली हुई है इसमें फेल हो गए हैं, तो उनके पास अब क्या क्या ऑप्शन आते हैं। ओके, अब आगे उन्हें क्या करना चाहिए पूरी मैं प्लानिंग आपको बताऊंगा समझाऊंगा। सो वीडियो को ध्यान से स्टूडेंट देखिए। ओके, तो देखिए अगर दोस्तों आपका इस परीक्षा में फेल हो गए हैं तो ये कैसे पता चले कि मैं फेल हूँ या पास हूँ इस परीक्षा में। तो आपने अपना रुक जाना नहीं कि परीक्षा का रिजल्ट देखा होगा, तो मार्कशीट में अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट में आपका क्या है SYCT लिखा है, यानी आप क्या है उस परीक्षा में लिखित रूप में आप क्या है फेल हो चुके हैं। यानी आप क्या है अगर एक सब्जेक्ट में फेल हुए, यानी आप क्या है क्लास 12th में कंप्लीट रूप से फेल हो गए होंगे, और क्लास 10th में एक सब्जेक्ट में फेल हुए तो आप क्या है पास माने जाएंगे। ओके, लेकिन अगर क्लास 10th में दो सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं तो मतलब क्लास 10th में भी आप फेल माने जाएंगे। ओके, तो अगर आप क्या है अब फेल हो चुके हैं इस परीक्षा में तो आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। ओके, एक पहला दोस्तों आपके पास ऑप्शन है कि आप क्या है रुक जाना नहीं परीक्षा आपकी दिसंबर में होगी एक बार और उसे उसका फॉर्म देकर उसकी आप परीक्षा देकर क्या है पास हो सकते हैं। एक ऑप्शन आपके पास ये रहता है। ओके, दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि आप क्लास 12th वाले विद्यार्थियों के पास कि आप क्या है दोबारा क्लास 12th पढ़ें और सत्र 2024-25 में दोबारा एडमिशन लें और दोबारा क्लास 12th पढ़ें। ओके, दो आपके पास ऑप्शन मैंने आपको बता दिए है। अब मैं आपको बताता हूँ अगर आप क्या है पहला ऑप्शन चॉइस करते हैं, यानी यदि आप डिसाइड करते हैं कि अब मैं क्या है रुक जाना नहीं परीक्षा जो दिसंबर में होगी उस वह परीक्षा दूंगा और क्या है पास होऊंगा। ओके, तो आप दिसंबर में देखिए दोस्तों परीक्षा देंगे, दिसंबर में जब दोस्तों आप परीक्षा देंगे ओके तो आपका रिजल्ट कब आएगा, तो फरवरी के या जनवरी के लास्ट में मान लीजिए या फरवरी तक आपके पास मार्कशीट आ जाएगी। ओके, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, अब फरवरी में दोस्तों आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ओके, लेकिन जो आपको मार्कशीट इसमें मिलेगी वो आपकी क्या है ओपन बोर्ड की होगी, जो इस प्रकार की मार्कशीट होती है। ओके, अब आपको क्या है कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो कॉलेज में जो एडमिशन के प्रोसेस स्टार्ट होती है वो मई जून से आपको पता है मई जून जुलाई से स्टार्ट होती है। ओके, तो आप क्या है एक दो महीने आपको मतलब फरवरी में आपके पास आ गया तो आपको मार्च अप्रैल आप रुकेंगे, फिर मई से आपका क्या है कॉलेज एडमिशन आपका का फॉर्म भरेंगे और कॉलेज में एडमिशन होगा तो आप जो कॉलेज के विद्यार्थी माने जाएंगे 2025-26 के आपके है कॉलेज के विद्यार्थी माने जाएंगे। ओके, दूसरा दोस्तों आपके पास ऑप्शन है कि क्या है क्लास 12th दोबारा पढ़ें, यानी सत्र 2024-25 ये नया सत्र है इसमें एडमिशन लें, चाहे रेगुलर स्टूडेंट के रूप में या प्राइवेट स्टूडेंट का फॉर्म भरकर आप एडमिशन लें। ओके, एडमिशन लेने के बाद आपके पास क्या तैयारी करना है। ओके, इसमें आपको क्या है काफ़ी समय मिल जाएगा, पूरा साल भर आपके पास तैयारी करने के लिए रहेगा। फरवरी मार्च में आपके बोर्ड एग्ज़ाम होंगे। ओके, फिर आपको क्या है अप्रैल में समथिंग आपका रिजल्ट आ जाएगा, अप्रैल में रिजल्ट आने के बाद आपको क्या है मई जून से आपके कॉलेज के एडमिशन स्टार्ट होंगे और कॉलेज में एडमिशन लेंगे, तो जब कॉलेज के एडमिशन लेंगे तो आप कॉलेज के एडमिशन 2025-26 में लेंगे। ओके, तो एक प्रकार से हम दोनों देख रहे हैं, दोनों ऑप्शन मैंने आपको बता दिया समझा दिया है, तो हमें कॉलेज में एडमिशन तो दोस्तों क्या है 2025-26 में ही मिलने वाला है, चाहे आप दिसंबर के वाली रुक जाने नहीं परीक्षा दें चाहे आप क्या है दोबारा क्लास 12th पढ़ें। ओके, तो दोनों ऑप्शन में आपको क्या है कॉलेज में एडमिशन तो आपको 2025-26 में मिलने वाला है, यानी आपकी एक साल तो आपकी अब प्रॉपर आपकी ये क्या है ये मतलब आपको क्लास 12th की तैयारी करनी ही पड़ेगी। ओके, लेकिन अब दोस्तों आपको कौन सा ऑप्शन चॉइस करना चाहिए मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, फिर वो आपकी इच्छा है आपको कौन सा ऑप्शन लेना है, लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ कि आपको दोनों ऑप्शन में आपको क्या क्लास 12th दोबारी पढ़नी चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होगा, देखिए क्लास 12th का आप दोबारा पढ़ेंगे तो आपको क्या ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, 6 से 7 महीने आपको अच्छी तैयारी के लिए मिल जाएगा, जबकि रुक जाना नहीं कि परीक्षा में 3 से 4 महीने आपको तैयारी के लिए मिलेगा। ओके, तो तैयारी के लिए आपको टाइम मिल जाएगा। दूसरी बात मार्कशीट, अगर आप क्या है रुक जाना नहीं परीक्षा दिसंबर वाली देंगे तो जो आपको पास की मार्कशीट मिलेगी वो ओपन बोर्ड की तरफ से मिलेगी। ओके, और लेकिन अगर आप क्लास 12th दोबारा पढ़ेंगे तो एमपी बोर्ड में पढ़ेंगे तो एमपी बोर्ड की मार्कशीट मिलेगी, तो एमपी बोर्ड की मार्कशीट ज़्यादा मान्य है। किसके अकॉर्डिंग अगर हम तुलना करते हैं दोनों की, तो आपकी ओपन बोर्ड के अकॉर्डिंग एमपी बोर्ड की मार्कशीट की ज़्यादा वैल्यू रहेगी। ओके, ये आप बात रहेगी सही, कहीं भी अगर आप अप्लाई करते हैं जॉब के लिए तो आपको क्लास 12th की मार्कशीट मांगी जाएगी। क्लास 12th की मार्कशीट में अगर आप रुक जाना नहीं वाली लगाएंगे तो जो आपको समझ रहे हैं जो मार्कशीट आपकी देखेगा वो समझ जाएगा कि आप दिसंबर में पास देकर मतलब दोबारा देख परीक्षा दी है पास हुई है तो आपकी स्थिति क्या है। ओके, जबकि अगर आप क्लास 12th की एमपी बोर्ड की मार्कशीट लगाएंगे तो आपकी कह थोड़ी वैल्यू रहेगी। ओके, इसलिए आपको क्या है क्लास 12th आपको लेना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको पढ़ना किस प्रकार से। ओके, यदि आप क्या रुक जाना नहीं की परीक्षा दे तो भी आपको 3-4 महीने पढ़ने हैं, अगर आप क्या है क्लास 12th दोबारा पढ़ते हैं तो पूरे साल भी मतलब आपके पास 6 से 7 महीने वो भी आपको उसमें भी पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो आपको क्या है कोई भी आपने ऑप्शन चॉइस किया हो,
चाहे आपने ऑप्शन ए लिया हुआ, चाहे ऑप्शन आपने सेकंड डिसाइड किया हो, ओके। दोनों कंडीशन में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप क्या करने वाले हैं, रुक जाना नहीं कि परीक्षा दिसंबर में देने वाले हैं या फिर आपने क्लास 12th दोबारा पढ़ने वाले हैं, ओके। कोई भी कंडीशन आप ली हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही मुझे क्या है, ये आपका मेरा व्हाट्सएप नंबर है 90 39 53 44 79, ओके। इसमें मुझसे बात कर लीजिएगा अगर कोई भी डाउट आता है, और कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। कोर्स की बात करूँ तो देखिए, रुक जाना नहीं कि अलग से कोर्स है, क्योंकि वो 3 महीने 4 महीने तैयारी करनी है, जबकि 7-8 महीने के लिए क्लास 12th का बिल्कुल नया कोर्स लॉन्च होने वाला है, तो उसका अलग कोर्स होगा। तो कोई भी कंडीशन में आपका है, कोर्स ज्वाइन करके अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, ताकि एक साल तो आपकी एक प्रकार से बर्बाद हो गई है, लेकिन आने वाली साल बर्बाद ना हो और आप अच्छे से क्लास 12th पास कर जाएं, ओके। तो आई होप दोस्तों आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट आता है व्हाट्सअप में मैसेज कर लीजिएगा, साथ ही क्या है कमेंट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।